प्रभु श्री राम नवधा का परिचय दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर नौ में एक भी हो तो नौ आ जाएंगे, एक भी हो तो नौ आ जाएंगे, और एक भी हो तो मुझे बहुत प्रिय है वो जिसके पास एक भी हो। मेरा मार्ग क्या है? नवधा भक्ति के द्वारा प्रेम रस लक्षणा भक्ति की प्राप्ति करके कोई मुझे अधीन कर सकता है, क्योंकि प्रभु का नाम प्रेमाधीन है। प्रभु श्री राम कह रहे मेरी पहली भक्ति प्रथम भगति संतन करी शंगा। संतों के संग का तात्पर्य प्रगट में है कि जैसे आप आए और सत्संग में बैठ गए, ये भी संत संग हुआ। आप किसी संत के चरण का आश्रय ले लिए, उनके वचनों को सुना, ये सत्संग हुआ, पर पूर्ण नहीं हुआ। सच्चा संत संग तभी माना जाएगा जब उनका आदेश जो है उनके हृदय की बात को, उनके जीवन के अनुभव को आप अक्षरशः पालन करें। यह है पहली भक्ति कि भगवत राह की बातें सुनना। ये संतों के मुख से मिलती है, इसलिए संतों के पास अधिक से अधिक हमारा समय व्यतीत हो या संतों की आज्ञा में अधिक से अधिक समय व्यतीत हो, ये पहली भक्ति है। दूसरी भक्ति है रतिमम कथा प्रसंगा। जो मेरे चरित्र हैं उनमें सुनने में रति प्रकट हो जाए। संतों के संग से यही तो मिलता है, भगवत वार्ता भगवत सिद्धांत। दूसरे में कह रहे कि सुनने में रति प्रकट हो जाए। पहले में तो सुना, और दूसरी भक्ति का सोपान है कि रतिमम कथा प्रसंगा। रति व्यसन हो गया, नशा हो गया, अब हम जी नहीं सकते, रह नहीं सकते, और नवीन नवीन एक ही बात को सहस्त्रों बार सुना जाए। प्रभु की रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी, वही बार बार सुन रहे तो नवम नवम, रोज नया नया हमें लगे प्रभु का लीला चरित्र, रोज हमें नया नया लगे प्रभु के सद्गुण, प्रभु की रूप माधुरी, इसे कहते रति। तीसरी भक्ति है मान छोड़ करके अमानी होकर के श्री गुरु चरणों में आज्ञा पालन के लिए समर्पित रहना। चौथी भक्ति क्या है कि मेरे गुणों का गान करे पर कपट का त्याग करके। कपट का त्याग, भगवत गुणों का गान केवल भगवत प्रसन्नता के लिए, भगवत रति के लिए किया जाना, ये निष्कपट गान है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मेरे पर दृढ़ विश्वास हो, दृढ़ भरोसा, दृढ़ स्थिति, पक्का आप समझ लीजिए। प्रभु के प्रति कभी अविश्वास ना हो, मंत्र के प्रति कभी अविश्वास ना हो, और मंत्र जपने का निरंतर का अभ्यास करें, माला से, बिना माला से। जैसे कुछ मंत्रों में नियम होता है कि पवित्र शरीर है तो मंत्र जप रहे, शौच लघु शंका अपवित्र अवस्था में नाम गुरुदेव देते हैं, नाम जप कीजिए, निरंतरता बनी रहे मंत्र जाप में, निरंतरता में ही सिद्धि प्राप्त होती है। ठठदम सील विरत बहु करना कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सीलवान नम्र होना, दैन्य होना, आपका जो व्यवहार है वो नम्रता पूर्वक होना चाहिए। नाम जापक भगवद आश्रित जन कभी कठोर व्यवहार, कभी अभिमान जनित व्यवहार नहीं करते, दैन्य जन भक्तों का एक अलग व्यवहार होता है। छठदम सील, सीलवान हो, इंद्रियों का दमन करने वाला हो, और विरत बहुकर्मा, जिन कर्मों से भगवत विस्मरण होता हो,
ऐसे बहुत से व्यवहारिक, बहुत से धंधा व्यापार ऐसे नहीं फैलाना चाहिए कि हम चैन से भजन न कर सके। जितने से जीवन उपयोगी आवश्यक है भगवत स्मरण करते हुए उनको करें, गृहस्थी या विरक्ति में जैसे भी हो। हमारे वो कर्म जो हमें भगवत विरोधी बना दे नहीं करना चाहिए। आठों जथा लाभ संतोषा, जैसी भी प्रभु हमारी जीवनचर्या चला रहे हम संतुष्ट हैं। जथा लाभ जैसे प्रभु चला रहे। नवम सरल सवसन छलहीना, नवम भक्ति है सरलता, ये बनावटी नहीं है। बनावटी तो कितने, हमें तो होश उड़ जाते हैं देख देख के लोगों कि ऐसा तो नाटक मंच में चूक कर जाएगा नाटक करने वाला। हाँ अरे नहीं नहीं आप ठीक है जहां जैसे नहीं, और ऐसा तो लगता है कि गजब का त्याग है, गजब का वैराग्य है, और या खत्म खेल। भगवान का प्रसाद लीला जानना सरल है लेकिन इंसान की लीला जानना बड़ा कठिन है। दैवो न जानामि कुतः मनुष्या, बहुत हाँ बड़ी विचित्र लीला है, बहुत विचित्र लीला है। सबसन सरल, कपट छलहीन, भक्ति का एक अलग रंग होता है। कभी किसी साधु के वेश में हो और साधु के द्वारा छल कपट शोभा नहीं देता, नहीं देता शोभा। छल कपट बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल गलत बात। काम क्रोध आदि है तो चले, आज नहीं तो कल वो दोस्त दूर हो जाए। छल कपट देखो भगवान ने यही कहा, मोहि कपट छल चित्र न भाव। यदि और दोष हैं तो प्रभु स्वयं निकालते हैं। ये छल कपट रखकर प्रभु या प्रभु के जनों के साथ नहीं करना चाहिए व्यवहार। हमारे पास अंदर जो यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन, करोड़ों कर्मठ करोड़ों जितेंद्री, उस भक्ति की समानता नहीं कर सकते जो छल कपट रहित होकर प्रभु की शरण में हो गया है। अभी कुछ दोष हैं, कामादि क्रोधादि दोष हैं, वो धीरे से ठीक हो, उनका समन हो जाए कोई, पर वो अनन्य है। वो अपने इष्ट गुरुदेव के द्वारा हरि गुरु से राजी रहे, हरि गुरु के द्वारा किसी को देख नहीं सकते। यद्यपि दोषी है, काम क्रोधादि दोष है, जितेंद्री नहीं है, पर कह रहे हैं उसकी समानता करोड़ों जितेंद्री करोड़ों कर्मकांडी नहीं कर सकते जो प्रभु का अनन्य। अपने इष्ट अब हम उतने योग्य नहीं, पर हमारे प्रभु के सिवा ना, बहुत बड़ी बात है, उस पर अंगुली नहीं की जा सकती। ये भाई ना, वो हरि का हो चुका है, जड़ उसकी उखड़ चुकी, पेड़ तुम्हें हरा भरा दिखाई दे रहा क्योंकि जड़ की तरफ तुम नहीं देख पा रहे। अब उसके विकारों की जड़ उखड़ गई, आज नहीं तो कल सूख जाएगा। लेकिन छल कपट ये भी मोही कपट, स्पष्ट प्रभु कह रहे मोही कपट छल छिद्र न भावा, चाहे जितना बुरा हो अपचि सुदुराचार हो, भस्ते माम अनन्य भाग, अनन्य भाव छल कपट। अच्छा क्यों छल कपट, दुराव क्यों, संतों से दुराव क्यों, संतों से कपट क्यों, प्रभु से कपट क्यों? भाई जैसे हैं आपके सामने इतना अच्छा, ये होता है कि ये मिल जाए बस हमारा काम बन, नहीं उससे काम नहीं बनता। काम उनकी मधुर भीनी कृपा दृष्टि से बनता है। ऐसा हो तो सब हो जाए ना, कि भाई कहीं से भी कैसे भी दे लेके रोग आके और अपना, ऐसे नहीं बनता काम में। और अगर तुम बहुत सरल बहुत क्या जान पाए तो ये भी इस बात समझ लेना वो दोनों पक्ष को देख रहे, इसलिए सावधान, मोही कपट छल छिद्र न भावा।